कोई भी आपको रास्ते में मिले उनको डीमोटिवेट नहीं करना, आप कहीं भी जाएं, जितना मर्जी मुश्किल रास्ता हो, लोग इतने दूर से आते हैं हर खूबसूरत जगह देखने के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम ट्रेल 5 आए और यानी अभी हमने स्टार्ट लिया है काफ़ी अरसे बाद, तकरीबन 2 महीने बाद मेरा ट्रेल 5 का चक्कर लगा है, तो ये तकरीबन 5.5 किलोमीटर है। ट्रेल 5 आने वाले दोस्त एक बात का ख़ास ख्याल रखे कि ट्रेल 5 जो है ना वो 30 मिनट पहले बंद हो जाता है मगरिब की अजान से, यानी मगरिब से 30 मिनट पहले इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि जंगल है सारा नज़र आ रहा है और जंगल के बीच में ट्रैक बना हुआ है, तो यानी यहाँ कुछ भी हो सकता है, ख़ासकर यहाँ पर सुअर बहुत ज़्यादा है। ट्रेल 5 में जब आप थोड़ा सा ट्रैक करते हैं तकरीबन 1.25 किलोमीटर के बाद सिग्नल बाज़ जगह पर मिल जाता है, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना। इनका लोहे का बड़ा बिजनेस है, कंटेनर्स आते हैं इनके अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ जहाज भी आते हैं बादाम के। बिल्कुल ऐसे पानी कहाँ से मिलेगा, मैं पानी की बोतल साथ नहीं लाया, पछता रहा हूँ। यह है जी बोहड़ी का चश्मा, असल में ऊपर बोर्ड के दरख्त है उसमें से पानी आता है, और यहाँ सामने जहाँ नमाज पढ़ा हुआ है तो लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। यानी ट्रेल 5 में पानी जब आम दिनों में सूख जाता है इस चश्मे पे लाजमी पानी होता है, और ज़्यादातर लोग इधर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद वापसी की राह लोग लेते हैं। आए, आए, इतना भी आसान नहीं है ये ट्रैक करना, बहुत मुश्किल है ये, इतना भी मुश्किल नहीं है। याद रखिएगा कोई भी आपको रास्ते में मिले उनको डीमोटिवेट नहीं करना, आप कहीं भी जाएं, जितना मर्जी मुश्किल रास्ता हो, लोग इतने दूर से आते हैं हर खूबसूरत जगह देखने के लिए, तो डीमोटिवेट करने की बजाय आप उनको बोले भाई आप किस लिए आए हो, ट्रैक करने के लिए आए हो, सैर सपाटे के लिए आए हो, तो एंजॉय करो। पैदल ट्रैकिंग के शौकीन दोस्त जितने भी है, या मतलब जो पैदल ट्रैक जिन्होंने स्टार्ट करना है पहाड़ों में, उनसे गुजारिश है कि वो इस ट्रेल पे आए, यहाँ से अपनी शुरुआत करें स्टेमिना बनाने के लिए। ये बहुत बेहतरीन ट्रैक है, बहुत खूबसूरत ट्रेल है, बहुत प्यारी हवा चल रही है यहाँ पे, तो दोस्तों से गुजारिश है वो इस खूबसूरत ट्रेल का ज़रूर सफ़र करें। उम्मीद है आप दोस्तों को आज का व्लॉग पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।